हमारी ट्रेनिंग तो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, उसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन, इसलिए हमारे देश की आर्मी नंबर वन है। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट यू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि आजकल बारिशों का जो मौसम है उसमें क्या आ रही है, फ्लड्स आ रही है देश में। अभी तीन दिन पहले मुंबई में से 2.5 घंटे दूर एक पहाड़ी पूरी की पूरी धस गई, उसमें 100 घर थे वो अंदर धस गए पूरे, और अभी तक कम से कम 21 लोगों की डेड बॉडीज वहां से मिल चुकी है। एंड क्या कारण है उसका? क्योंकि हमने इलीगल माइनिंग की। क्यों माइनिंग की? आप मुंबई में देखेंगे ना, 100 फ्लोर की बिल्डिंग, 80 फ्लोर की बिल्डिंग, 50 फ्लोर की बिल्डिंग, उसको बनाने के लिए सामान कहाँ से आता, लकड़ी कहाँ से आती, जंगल काटते हैं। क्या जंगल काटना अच्छा है? और जब हमें पत्थर लगाने हैं, ऐसे दीवारें बनानी है और फर्श बनाना है, तो पत्थर जो पहाड़ियों पे हैं उनको ब्लास्ट करके तोड़ते हैं, उनका पाउडर बनाते हैं, सीमेंट आदि मिलाते हैं, और फिर वो घर बनाते हैं जिनको हम 100-100 करोड़ रुपए के खरीदते हैं, 20-20 करोड़ के खरीदते हैं और महंगे खरीदते हैं। लेकिन क्या पेड़ काटना और पहाड़ियां तोड़ना जरूरी है? यहाँ आपको पता चलेगा जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेंगे। अगर आपने ये ट्रेनिंग अच्छे से ले ली, मुझसे सर्टिफिकेट लिया, तो आप एनडीआरएफ में या पुलिस में या मिलिट्री में जा सकेंगे, यानी आर्मी में, आर्मी। अगर आपने फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग साथ में ले ली, तो आप डॉक्टर या मेडिकल फील्ड या कॉर्पोरेट्स में जॉब कर सकते हैं। अगर आपने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कर ली, तो आप अपनी रक्षा खुद कर सकेंगे, दूसरों की भी रक्षा कर सकेंगे। मैंने पिछली क्लास में पूछा, लड़कियों को अपनी सहेली के घर रुकने जाना होता है प्रोजेक्ट करने के, तो मम्मी क्या बोलती, मम्मी या पापा? नहीं बेटा, किसी के घर में रात को नहीं जाना। क्यों? नहीं भैया, मैं क्या बताऊं, बस असुरक्षित है, हमें लड़कियों की सुरक्षा चाहिए। क्यों? हम समाज को ऐसा नहीं बना सकते कि लड़कियां भी हर जगह जा सके, उस जगह जहां लड़के जा रहे हैं अच्छी जगह, बुरी जगह ये सब अच्छा नहीं है। चाहे पिताजी करें, चाहे हम में से किसी के भी विचार में आ जाए, ये सब अच्छा नहीं है। तो ये जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, इसमें स्ट्रीट कॉम्बैट, पर्सनल सिक्योरिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। आपको लगता है कि पढ़ाई में मुझे नहीं जम रहा, मैं समझ नहीं पा रही, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं मैथ्स में कमजोर हूं या मैं इंग्लिश में कमजोर हूं या मराठी में कमजोर हूं, ये वाली ट्रेनिंग के बाद में आपको सारी चीजें अच्छी मिल सकती हैं। समझ गए? तो जरा मेरे साथ एक सॉन्ग गा देंगे? तो ये गुरु गोविंद गोहू खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपके, जिन गोविंद दियो बताए, जिन अल्लाह दियो बताए, जिन पढ़ना दियो सिखाए, जिन लिखना दियो सिखाए, जिन रास्ता दियो बताए। मैं बोलूंगा कि देश प्रेम है, आप बोलेंगे जय हो। कि देश प्रेम है, कि देश प्रेम है, देश प्रेम है, कि देश प्रेम है, कल भला करेंगे, होए होए, कल भला करेंगे, कल भला करेंगे, कल भला करेंगे। मैं बोलूंगा कि भाईचारा, कि भाईचारा, कि भाईचारा, कि भाईचारा, कि भाईचारा, चल सत्य कहेंगे यो, चल सत्य कहेंगे, चल सत्य कहेंगे, चल सत्य कहेंगे, युवरे सोनिहा, I love you. Thank you. Standard. Eight. All right. मेरा नाम आपने देख लिया, क्या क्या ट्रेनिंग करा रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हम डिजास्टर मानते हैं या आपदा मानते हैं, हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा। हर साल देश में कितनी तरह की आपदाएं आती हैं या डिजास्टर? आपदा दो तरीके की होती है, वन इज मैन मेड एंड वन इज नेचुरल। नेचुरल डिजास्टर होते हैं जिसमें बाढ़ है, भूकंप है या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं। लेकिन केमिकल या बिल्डिंग गिर जाना या ब्रिज गिर जाना या आग लग जाना या अर्पित हो जाना, बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो जाना, ये सारे मैन मेड नेचुरल नहीं होते हैं। रेज द हैंड, टेल मी, आई विल आस्क यू, टेल मी, व्हाट्स योर नेम? खुशबू। सो कौन कौन सी आपदाएं हैं बताइए खुशबू? ओके, और क्या होता है? बाढ़ आती है, बिल्डिंग गिर जाती है, फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, फैक्ट्रियों से केमिकल लीक हो जाता है, ब्रिजेस गिर जाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अभी अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा में बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये सारी क्या है? आप बताएं। वेरी गुड गर्ल, क्लैपिंग फॉर यू। सो मुझे एक बात बताइए कि जब फ्लड में अभी थोड़े दिन, तीन दिन पहले मुंबई के पास में ईसा बलकर हिल्स हैं, वो पूरी की पूरी पहाड़ी अंदर धस गई, क्या कारण? आप सांस किस चीज से लेते हैं? ऑक्सीजन कहां से आती है? और हम क्या कर रहे हैं पूरे देश में? पेड़ काट रहे हैं। तो अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमारी बड़ी समस्या होगी, हमें दमे की बीमारी यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी, मेडिकल प्रॉब्लम है, ये भी आपदाएं हैं। तो हमें मिलजुल कर क्या करना है? पेड़ों को बचाना है, और मिलजुल कर क्या करना है? पेड़ लगाने हैं, और मिलजुल कर क्या करना है कि हमें सरकार को लिखना है। आपको मैं अगर इसका बना दूं कैडेट हम आवास का, तो आप सरकार को लिखेंगे और आप सरकार को, मिनिस्टर को लिखें, चीफ मिनिस्टर को लिखें, या प्राइम मिनिस्टर को लिखें, या होम मिनिस्टर को लिखें, या राष्ट्रपति को लिखें, वो आपकी बात का जवाब देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हम आवास की तरफ से जितने भी स्टूडेंट्स हमें लिखते हैं, दे आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स, वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एजुकेशन, अबाउट देयर सिटीजनशिप, अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अबाउट देयर राइट्स, यानी उत्तराधिकार, हमारे जितने भी अधिकार हैं और हमारे जितने भी कर्तव्य हैं हम उनको जानते हैं। सो अब ये सारी जो ट्रेनिंग है, इनमें फायदे क्या क्या हैं?